हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनने जा रही है लखनऊ की बहुत ही फेमस इदरीस की बिरयानी। ये डिफरेंट टाइप की बिरयानी है, इसको आप लोग लास्ट तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे हमने 1 kg मटन लिया है, फुल फैट मटन है, और 1 कप दही है, 3 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट है, 4 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, और 3 टेबल स्पून नमक है, 3 टेबल स्पून ये फनेल है, फनेल सीड्स सौंफ, और 2 टेबल स्पून रेड चिली है। और यहाँ से हमने 20 से 25 हमारी जो है वो ग्रीन इलायची है, और ये 3 मोटी इलायची है, 1 टीस्पून हमने काली मिर्च लिया है, और हाफ जो है ये जायफल है, 1 टीस्पून क्लोव लिया है यानी लौंग, और 1 टीस्पून जावित्री लिया है, और 2 सिनेमन स्टिक है। तो ये हमारा पहला स्टेप है। इसमें ये जो हमारे जो खड़े मसाले हैं ये और ये, इसको हम क्रश कर। यहाँ पर हमने कुकर लिया है, आप इसको भगोने में या पतीले में भी बना सकती हैं। तो ये हमने यहाँ कुकर रख दिया। अब इसमें हम तेल डालेंगे, हमें 1 कप तेल लेना है। हम यहाँ पर आधा तेल इसमें डालेंगे, तेल हो जाएगा तो इसमें पहले लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसके बाद में अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और इसको 2 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेंगे। दो मिनट हो गए, इसमें हम गोश्त डाल देंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हम बता रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे 2 मिनट तक। इसको हमने 2 मिनट आधे से इसको हमने भून लिया। ये जो लहसुन और अदरक का पेस्ट था उसको अच्छी तरह से हमने इसको मिला लिया मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम दही डालेंगे, दही डाल के इसको हम 2 मिनट खूब अच्छे से इसको भूनेंगे। अच्छी तरह से इसको हम मिला लेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो गया, इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको इस तरह से हमने भून लिया। अब इसमें हम मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, मिर्च डाल दिया और इसमें नमक डाल दिया, इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और ये जो क्रश किए हुए मसाले हैं, खड़े मसाले भी हम डाल सकते हैं, मगर यखनी में क्रश करके डालने से ज्यादा अच्छा रहता है। ये सब मसाले इसमें डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए पहले इसको अच्छे तरीके से मिला लीजिए। इसको 5 मिनट के लिए तेज आंच में इसको हमें भूनना है। 5 मिनट हो गया, इस तरह से देखिए गोश्त भूनते हुए तेल अलग हो चुका है। 5 मिनट हो गया, अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जिस तरह हम पाए वाए में डालते हैं, बस इतना डालना है कि गोश्त गल जाए। अच्छा, गोश्त हमको 100% नहीं गलाना, हमें 90 से 95% तक हमें गोश्त गलाना है, और ये हमारी यखनी बनकर इतने देर में तैयार हो जाएगी। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम बस 1 कप पानी डाल रहे हैं। अब इसमें हम लीड लगा देंगे। लीड लगाने के बाद में इसको हम थोड़ी देर बाद देख लेंगे। ये हमने 150 ग्राम स्लाइस इस तरह से अनियन को हमने काट लिए हैं, और यहाँ पर तेल रख दिया था, तेल भी हो गया है।
अब इसमें डालकर हम अनियन को फ्राई करेंगे। गोल्डन होने पर इसको हम फ्राई करेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी, इस तरह से हमें फ्राई करना है। अब इसको हम इसको इधर बाउल में रख देंगे और ये जो आयल बचा है, जब हम परत लगाएंगे तो उस टाइम इस आयल का यूज कर लेंगे। अब हमारा ये सेकंड स्टेप यहाँ से शुरू होता है। इसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया और इसमें 4 टेबल स्पून केवड़ा वाटर और 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर लिया और 2 टेबल स्पून शक्कर हमने लिया है। यहाँ पर 6 छोटी इलायची लिया है और 2 स्टिक हमने सिनेमन की लिया है और ये ज़ीरा है, ज़ीरा हाफ टेबल स्पून है और सौंफ 2 टेबल स्पून है। 1/4 हमने जायफल लिया है, 1/2 टीस्पून जावित्री लिया है और इसको हमको फाइन पाउडर बनाना है, क्रश हमें नहीं करना, बहुत ही अच्छा फाइन पाउडर बनाना है इस ये सब चीज़ों को। अब ये पैन में हम ये दूध डालेंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप अब शुरू हो रहा है यहाँ पर और इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इसको हमें गाढ़ा पकाना है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब इसमें हम और मसाले डालेंगे, बस इसको हम ऐसे चलाते रहे। ये थर्ड स्टेप है। यहाँ पर हमने ये देखिए चावल लिया है, चावल हमेशा हमें अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 1 किलो चावल लिया है, आप 1 से 1.25 किलो चावल ले सकते हैं और इसमें 10 छोटी इलायची है, 10 लौंग है और 2 स्टिक हमने दालचीनी की ली है और यहाँ पे 4 टेबल स्पून वो आयल लिया है और ये नमक लिया है। नमक भी हमें ज़्यादा लेना चाहिए, हमें नमक भी 4 टेबल स्पून है, ओ सॉरी 6 टेबल स्पून नमक है। और इसको चावल को 45 मिनट से लेके 4 घंटे तक आप भिगा सकते हैं। हमारा ये तकरीबन 1 घंटे से भीगा हुआ है। अब इसको हम उबालेंगे। यहाँ पर हमने पानी रख दिया, पानी हमें बहुत ज़्यादा सा पानी रखना चाहिए। तो और ये जो मसाले थे इसको इसमें डाल देंगे और ये नमक डाल देंगे। और ये आयल डाल देंगे। आयल इसलिए डाला जाता है कि चावल हमारे एक दूसरे में चिपके नहीं। अब इसको पलाने के लिए रख देते हैं। जैसे हमने अच्छा चावल यहाँ पर, हाँ एक चीज बताना भूल गए कि चावल हमें जैसे हम आम बिरयानियों में 75-85% चावल को हम कुक करते हैं तो इसमें हमें 50% चावल को हमें कुक करना है। यहाँ पर हमारा गोश्त देखिए इस तरह से हमारा गोश्त कुक हो गया है, ये 95% कुक हो गया है। और ये अखनी हमारी, इसको हमने छान लिया है, इसका जो नीचे का ये था ये चीज़ निकल गई, अब इसको छान लिया। और ये और दूध यहाँ पर ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया है। अब टाइम आ गया है कि इसमें जो हमने मसाले पीसे हैं, जो अच्छे से फाइन पाउडर बना लिया था उसको इसमें डालेंगे और शक्कर डालेंगे, ये डाल देंगे इसमें ये मसाला और शक्कर डाल देंगे और इसके इसको गाढ़ा होने तक हम इसको पकाएंगे। इसको इस तरह से चलाते रहेंगे, गाढ़ा होने तक इसको हम पकाएंगे। दूध पकते पकते अब ये गाढ़ा हो गया है, अब इसमें हम ये जो अखनी है इसको डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे।
और इसको मिलाने के बाद में जो हमने फ्राई की थी, प्याज को फ्राई की थी, उसको इसमें डालेंगे और पका लेंगे। ये फ्राई की हुई प्याज इसमें डाल करके इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। अब इसमें हम ये गोश्त, जो हमने ये गोश्त निकाला था, इसको इसमें डाल देंगे। गोश्त हमें 100% नहीं कुक करना है, 90% बस कुक करना है, वो 10% इसमें वो कुक हो जाता है। इसमें मिला करके थोड़ा सा इसको पकाएंगे। और इसमें रोज वाटर और केवड़ा डालेंगे। हमने दोनों में, दोनों इसमें मिक्स कर दिया था, इसको डाल देंगे और इसको थोड़ा से पका लेंगे। याद रहे कि यखनी हमें इतनी रखनी चाहिए, जैसे 1 किलो चावल है तो 1 किलो यखनी होगी, 2 किलो चावल है तो 2 किलो यखनी, चावल के हिसाब से हमें यखनी रखनी है। यहाँ हमने चावल डाल दिया और चावल डालने से पहले हमें जब ये लकड़ी हमें निकाल लेनी है दालचीनी की। अब इसको हमें 50% कुक करना है और जो ऊपर की लेयर रहेगी वो 70 या 75 तक हमें कुक करना है। देखिए जब ये चावल डाला तो चावल डालने के बाद में फौरन हमें नहीं चलाना, हमें 3 मिनट के बाद चावल को चला देना है। आइए देखते हैं कि चावल हमारा कितने परसेंट कुक हुआ है। ये 50% हमारा चावल कुक हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब ये जो 50% चावल हो गया था इसको हम अब इसमें डालेंगे। अब हमें कैसे अंदाजा लगाना है कि 50% कैसे हुआ, तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये 2 टुकड़े में हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि 50% हो गया। अब ये सब इसमें डाल देंगे। इसको बराबर कर देंगे। अब इसमें ये जो ऑयल बचा था इसको सब डाल देंगे। इसमें हमने रेगुलर वाटर हमने 1/2 कप लिया, केवड़ा वाटर 5 टेबल स्पून लिया, ऑरेंज फूड कलर 1 टीस्पून लिया, सैफरान हमने 2 पिंच ली और इसको इस तरह से हमने बना लिया। अब यहाँ पर हमने वो ऑयल भी डाल दिया। अब इसको जो है इस तरह से डालेंगे। और उसके ऊपर से ये जो 75 चावल हमारा इस टाइप का हो इसको डाल देंगे। अब इसको बराबर करके और दम पर लगा देंगे। कोई कपड़ा डाल देंगे, हमें फाइल डाल देंगे, ये हमारा ये चीज बड़ा हुआ बड़ा है तो इस पर हम कपड़ा डाल देंगे और इसको दम पर लगा देंगे। इस तरह से इसको रख देंगे, तो 20 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे। 20 मिनट हो गए, अब देखते हैं। ये देखिए जबरदस्त भाप चढ़ गई इस पर, अब हमारी बिरयानी तैयार हो गई। अब जब इसको हम इस तरह से नीचे से कलर वाले चावल ऊपर लाएंगे इस तरह से, और बोटियों को ऊपर लाना है इस तरह से, देखिए
जबरदस्त बिरयानी तैयार हुई है, खुशबू बहुत ज्यादा आ रही है। इस तरह से हम बोटियों को ऊपर कर लेंगे। हमने इसको डिश आउट कर दिया। ये देखिए हमारी इदरीस स्टाइल बिरयानी बनकर तैयार हो गई। आप लोग भी अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही जायके की, बहुत अच्छी होती है। और इसको ट्राई करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।